नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं माता काली शमशान काली की कृपा से आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जय सतगुरु श्री माली जी की जय। जय मौरी, जय मशाणी, जय शमशान काली। मैं भगत नरेश कुमार पांचाल अपने चैनल में आप सभी भाइयों का, आप सभी बहनों का, आप सभी माताओं का फिर से स्वागत करता हूँ। मैं भगत नरेश कुमार पांचाल माता काली से यही प्रार्थना करूंगा कि वो आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा बना के रखे, आपका परिवार सदा खुश रहे, सदा आबाद रहे, सदा हंसता खेलता रहे और आपके बच्चे सद खूब पढ़ाई करें, खूब तरक्की करें और आपके बिजनेस में खूब तरक्की हो, यही माता काली से मैं प्रार्थना करता हूं। मैं भगत नरेश कुमार पांचाल आज आप सबके लिए शमशान काली को सिद्ध करने का एक सावर मंत्र लेकर आया हूँ। इस मंत्र को बिना गुरु के ना करें, गुरु की इजाज़त से करें, गुरु के आशीर्वाद से करें, गुरु के साथ रह कर करें। मैंने जितने भी मंत्र आपको दिए हैं उसमें सबको बारे में यही कहा है कि कोई भी साधना हो बिना गुरु के कभी भी सफल नहीं होती। गुरु बनाकर अगर करोगे तो जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब 5 जून को जो रात को चंद्र ग्रहण है उस पर भी आप इसको सिद्ध कर सकते हो। जो 5 जून को आने वाली 5 जून को जो चंद्र ग्रहण है उस पर भी आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। पहले हम मंत्र सुने, फिर मैं आपको इसकी विधि बताऊंगा। ओम सतनमो आदेश, गुरुजी को आदेश। जंगल में परले आई, तूफान उठा, घनघोर सुनामी आई, शमशान में मची हलचल, कौन आई? माता शमशान काली आई, अपने साथ शमशान भैरव लाई और शमशानी प्रेत लाई, मरी को लाई। आई रे आई माता शमशान काली आई, छम छम करती आई, केशों को लहराती आई, घोर गजरंता करती आई। हाजिरो 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 माता शमशान काली, हाजिरो हाजिर हो। दुहाई तुझे शिव शंकर महादेव की, दुहाई तुझे गुरु गोरखनाथ जी की, दुहाई 984 सिद्धों की, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। देखो माता शमशान काली तेरे इलम का तमाशा, सत्य का नाम आदेश आदेश आदेश। यह मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र को आप ग्रहण काल में कम से कम 11 माला जप कर भी सिद्ध कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, शमशान में जाइए, 7 प्रकार की मिठाई, 7 मीठे पान, 7 पतासे, 7 लौंग, 7 इलायची, मीठे चावल, कच्ची पक्की लपसी, देसी घी का सूजी का हलवा, 1 नारियल काली चुन्नी लपेट के, माता का 16 सिंगार, 2.25 बोतल शराब, 7 कच्चे अंडे, थोड़ी सी बकरे की कलेजी, थोड़ा सा बकरे का मांस, यह सारा सामान आपको पहले शमशान में रख कर आना पड़ेगा और 4 मुखी सरसों के तेल का दीपक, ये भी जला के आना पड़ेगा और सुगंधित इत्र भी लगाना पड़ेगा वहाँ पे। फिर उसके बाद घर में आकर पहले गुरु मंत्र, रक्षा मंत्र, आसन जाप और शरीर कीलन मंत्र जो आपके गुरु द्वारा दिया गया है उस मंत्र का जाप करने के बाद फिर आप इस मंत्र की 11 माला जाप करें ग्रहण काल में। अगर ग्रहण काल में नहीं भी करते हो तो वैसे इसकी 5 माला जाप करें, समान यही देना पड़ेगा। इसकी सिद्धि पूरी 21 दिन की है, 21 दिन में शमशान काली आपके सामने आ जाएगी, ये मेरा पक्का दावा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस मंत्र की और भी कोई जानकारी चाहिए तो कृपया भगत नरेश कुमार पांचाल से फ़ोन कर संपर्क कर सकते हो। ठीक है, अगर आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हो, गुरु दीक्षा लेकर आगे बढ़ना चाहते हो तो भगत नरेश कुमार पांचाल से गुरु दीक्षा ले सकते हो। अगर किसी भगत ने, किसी तांत्रिक ने आपकी गद्दी बांध दी है या आपकी संगत रोक दी है तो कृपया भगत नरेश कुमार पांचाल को मिलकर आप अपनी गद्दी को चला सकते हो, अपनी संगत को भी चला सकते हो। अगर आप अपने घर में बुलाना चाहते हो तो आपको सिर्फ हमारी गाड़ी का खर्चा देना पड़ेगा और हमारा कोई खर्चा नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई भी फीस नहीं है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इस मंत्र को अगर आप
5 जून को ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में अगर करते हो तो इससे अधिक लाभ मिलेगा आपको। इससे आपके माता शमशान काली की कृपा मिलेगी, माता शमशान काली के द्वारा आपके घर में खुशहाली आएगी, माता शमशान काली के द्वारा आपके घर में संकट दूर होंगे, माता शमशान काली से आपके बिजनेस में तरक्की होगी, केक रहेगा प्रभाव खत्म होगा, तांत्रिक प्रभाव भी खत्म होगा इस मंत्र के द्वारा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।